जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के स्टूडियो में CGSI का जो लेक्चर सीरीज चला था संविधान का, उसका अगला पार्ट लेकर के आया हूं और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे संस्थान में CGSI का जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है। जो भी आसपास के विद्यार्थी होंगे भिलाई दुर्ग के, वो हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आसपास के विद्यार्थी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से जो 15वां भाग है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में या निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी देता है हमको। तो छोटे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, उसके लिए अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 324 को याद रखेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कहां से कहां तक दिया गया है तो 324 से 329 तक इसमें प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 324 से स्टार्ट होता है, 324 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहां तक दिए गए तो 329 तक में निर्वाचन संबंधित बातें कही गई हैं। मैंने क्या बताया, निर्वाचन आयोग कहां पर है? संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324। अब देखिए किस प्रकार का आयोग है, इसका काम क्या है, या फिर मैं बात करूं किस प्रकार का आयोग है। तो स्थायी स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, ये स्थायी निकाय है, इसको भंग नहीं किया जाता है, स्वतंत्र है, किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी मंत्री वगैरह के अंदर ये काम नहीं करता है। और संवैधानिक निकाय, आप देख ही पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान में इसके लिए अलग से अनुच्छेद और प्रावधान किए गए हैं, इसलिए यह संवैधानिक निकाय, किसी कानून को ला करके संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जब से संविधान निर्मित हुआ है तब से संविधान का भाग है। तो किस प्रकार का है, ये स्थायी है, स्वतंत्र है और संवैधानिक निकाय है, कौन? निर्वाचन आयोग। दूसरे बात करते, इसका कार्य क्या है, इसको संविधान में जगह क्यों दी गई है और इतना इंपॉर्टेंस ये क्यों रखता है। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधान मंडल। तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती हैं, और राज्य विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों आ जाते हैं। तो इन सभी के चुनाव करवाने के लिए, चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने की पूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में होने वाला है। NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और UPA दोनों ने अपने अपने जो कैंडिडेट हैं वो घोषित कर दिए हैं। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा दोनों कैंडिडेट बनाए गए हैं। तो अभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसको कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। लोकसभा का चुनाव होगा कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। इसी प्रकार राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद। तो कहने का मतलब है, आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ये जो निकाय है ये केंद्र के लिए भी इलेक्शन करवाता है, सेंटर के लिए, और राज्यसभा राज्यों के लिए भी इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इसी की है। केवल ये इलेक्शन नहीं करवाता है, उसके लिए संचालन करता है, उसके लिए निर्देश देता है और उस पर नियंत्रण भी करता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इसके गठन का उद्देश्य क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, किस उद्देश्य से किया गया है। तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु इसका गठन किया गया। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके देश में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए। किसी भी एक पार्टी की सत्ता या एक पार्टी का चुनाव में प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो चुनाव जो निष्पक्ष कराने के लिए इसका किया गया है, क्या निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा, एक ही पार्टी क्या होगी, बार बार उसी राज्य में या केंद्र में बार बार आती जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, ये ठीक बात नहीं है। एक बात याद रखेंगे, पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव होता है इसमें इसको करवाने के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब निर्वाचन जो आयोग है वो पंचायत और नगर निगम का चुनाव नहीं करवाता है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव करवाने के लिए 243 आप लोग याद रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में, ठीक है, 92 आप ले सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा वो पंचायत और नगर निगम को चुनाव करवाएगा, निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निगम को चुनाव नहीं करवाता है। ठीक है, अब इसकी निर्वाचन आयोग की हम लोग संरचना की बात कर लेते हैं। तो इसकी संरचना किस प्रकार से है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है, साथ में दो और अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। ठीक है, इसके साथ में, अब ये दो, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन सभी की शक्तियां वगैरह सब बराबर होती हैं, जब भी कुछ विवाद होता है तो ये लोग बहुमत से अपना निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब
ये निर्वाचन आयोग बना था तो ये जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्य था, मतलब केवल एक व्यक्ति इसमें होता था। बाद में इसका कार्यभार बढ़ा तो इसमें दो व्यक्ति को और डाल दिया गया, तो वर्तमान में भी तीन व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, नियुक्ति की अगर मैं बात करता हूँ नियुक्ति की, तो नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सभी की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जिनका कार्यकाल होता है कब तक काम करते हैं, 6 वर्ष तक अपने पद पर या 65 साल तक। मान लीजिए इनका नियुक्ति 55 साल में हो गया तो 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर मान लीजिए इनका नियुक्ति काफ़ी लेट होता है 61-62 साल में होता है तो जैसे ही 65 साल इनका उम्र हो जाएगा तो ये अपने पद से ये त्यागपत्र दे देंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक एवं अन्य आयुक्तों की भी क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। प्रादेशिक आयुक्त मतलब रीजनल जो कमिश्नर होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति तो इनकी की जाती है, लेकिन इनको पद से मुक्त ऐसे ही नहीं किया जाता कि जब राष्ट्रपति की मर्जी आया तो वो पद से उनको हटा देगा, ऐसा नहीं है। इनको पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया होती है, मतलब इनका जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हुए उनको भी हटा सकते हैं। उसका कारण क्या होता है, ठीक है, अर्हता क्या होता, असक्षम है काम करने में और दुर्व्यवहार का, असक्षम है काम करने के लिए और दुर्व्यवहार किए हैं, बस यही दो कारण हो सकते हैं उनको हटाने के लिए, अन्यथा कोई भी कारण नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग देख पाएंगे, इनके लिए कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई है कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। अगर किसी व्यक्ति को आपको निर्वाचन आयुक्त बनाया है तो क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति का जिसको मन करेगा उसको निर्वाचन आयुक्त वो बना सकते हैं, इनके लिए निर्धारित नहीं रखी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्यकाल के बाद, मान लीजिए इनका टर्म पूरा हो जाता है और ये निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं, तो कार्यकाल के बाद अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कार्यकाल के बाद किसी अन्य नियुक्ति पर रोक लगा दिया जाता है ताकि वो निष्पक्ष अपना काम कर सके, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। कार्यकाल के बाद ये कहीं अन्य भी इनकी नियुक्ति ले सकते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ समझ गए हैं। संवैधानिक निकाय है, सभी चुनाव करवाने के लिए संचालन निर्देशन नियंत्रण इनके जिम्मेदारी पे होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इनका गठन किया गया है। पंचायत और नगर निगम के चुनाव नहीं करवाते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो अन्य होते हैं साथ में। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 साल तक के लिए रहता है। इनको पद से हटाना है तो विशेष बहुमत से संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। प्रादेशिक और अन्य आयुक्त को अगर हटाना है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर प्रादेशिक और अन्य आयुक्त को हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर ही इनको हटाया जा सकता है, ठीक, अन्यथा इनको भी नहीं हटाया जा सकता है। इनके लिए कोई भी अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और कार्यकाल के बाद ये कहीं अन्य जगह पर नियुक्ति ले सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि इनके काम के बारे में बात कर लेता हूँ, इनका काम क्या क्या, शक्तियाँ एवं कार्य। तो इनके पास 3 टाइप की शक्तियाँ होती हैं। पहली शक्ति है प्रशासनिक, दूसरी है सलाहकारी और तीसरी है अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक, अगर ये ऑप्शन मिलता है इनमें से क्या शक्ति है, तो प्रशासनिक शक्ति है, सलाहकारी है और अर्ध न्यायिक है। इसको डिटेल में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो प्रशासनिक काम करने की जिम्मेदारी है इनके पास, प्रशासनिक काम ये करते हैं। पहला है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना। अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में जम्मू काश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। परिसीमन आयोग क्या करता है, किसी भी क्षेत्र को कितने विधानसभा सीटों में बांट देना चाहिए वो सब जो काम है वो परिसीमन आयोग करता है, और उसके सिफारिश पर या उसके सलाह पर निर्वाचन आयोग जो है वो क्षेत्र का निर्धारण करता है कि किस क्षेत्र से कितने लोकसभा सीट होंगी या विधानसभा सीटें होंगी, वो सब काम किसका है, निर्वाचन आयोग का है। उसके बाद निर्वाचक नामावली, जो अपन लोग वोटिंग की लिस्ट जो होती है वो सब भी तैयार कौन करता है, निर्वाचन एवं चुनाव निर्वाचन जो आयोग है वो तैयार करवाता है। एक अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, 324 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, निर्वाचन संबंधित है। इसी के बीच का एक अनुच्छेद है 326, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया एग्जाम में। 326 का जो संबंध है वो वयस्क मताधिकार से है, वयस्क मताधिकार, ठीक है। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ही ये सब चुनाव सांसद लोकसभा राज्यसभा के किए जाएंगे, तो वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 326 में। आगे देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण हो गया। तिथि एवं समय सारणी, किस तिथि में चुनाव होंगे
और किस समय पर वोटिंग की जाएगी, कि निर्धारण कौन करेगा, निर्वाचन आयोग, दल को मान्यता देना एवं चिन्ह देना, यह है इसकी अर्धन्यायिक प्रक्रिया। किसी भी दल को यह मान्यता दे सकता है कि आप राष्ट्रीय स्तर के दल हो या राज्य स्तर के दल हो, ठीक है, और उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा। जैसे कि अभी शिवसेना में विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, बोल रहे हैं हम असली शिवसैनिक हम हैं, वो कह रहा है असली शिवसैनिक हम हैं, तो चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा। मान लो दल में कभी टूट होता है, बीजेपी के दल में टूट होता है, जो कमल का चिन्ह है जो बीजेपी का ओरिजिनल है वो किसके पास जाएगा, दो दल बन चुके हैं। तो दल को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये किसके क्षेत्र में है, न्यायिक शक्ति है इसकी, किसकी, इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की। एक बात याद रखना कि ये सब चुनाव से संबंधित किसी भी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है, वो हस्तक्षेप नहीं करता, पूरा जिम्मेदारी किसके पास है, इलेक्शन कमीशन है, और इसका जो डिसीजन होता है वो आखिरी होता है। एक बता देखिए, निर्वाचन पे विवाद, वही मैं बता रहा था अर्धन्यायिक प्रक्रिया, निर्वाचन पे कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी है। आचार संहिता, चुनाव के कुछ समय से पहले आचार संहिता लगा दी जाती है, आचार संहिता के जो नियम कायदे कानून है वो सभी कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। अब देखिए, कोई सदस्य है जिसका चुनाव हुआ है उसमें कुछ अगर डाउट होता है, निर्धारता होता है, तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति भी किसकी सलाह पर करता है, निर्वाचन आयोग के सलाह पर करता है, और विधानसभा का जब मैटर रहेगा तो ये राज्यपाल को सलाह देगा। अब जब चुनाव होता है तो काफ़ी सारी मशीनरी लगती है, मतलब कि वोटिंग के जो बॉक्स वगैरह रहता है उनको सिक्योरिटी देना पड़ता है, जहाँ बूथ रहता है वहाँ पे CRPF वगैरह लगाई जाती है, गाड़ियों से आना ले जाना, इतनी सारी मशीनरी रहती है, और ये व्यक्ति कितने हैं, केवल 3 ही व्यक्ति हैं, तो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति से ये आग्रह करते हैं, पूरी जो सैन्य बल है, मतलब कि जो सिक्योरिटी हो गई, और जितने भी कर्मचारी लगते हैं, ठीक है, तो किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी, आप जानते हैं ड्यूटी सॉरी छुट्टी जो है निरस्त कर दी जाती है, कर्मचारियों की संख्या और कर्मचारियों की सिक्योरिटी पूरी राष्ट्रपति और राज्यपाल से यह मांग सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर लगा हुआ है और उसका 1 साल हो चुका है, तो 1 साल बाद वहाँ पर इलेक्शन कराने का प्रावधान है, तो इलेक्शन कमीशन ही सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को वहाँ पर इलेक्शन कराने लायक अभी माहौल है या नहीं है, तो ये भी इसी का जिम्मेदारी है। लास्ट देखिए, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। अब भारत में कौन सा दल जो है वो राष्ट्रीय दल है, कौन सा दल है वो राजकीय दल है, इसका निर्धारण भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, यही मान्यता देता है, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे सर्च करके कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल की, आप संख्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि संख्या कितनी है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल की, और एक क्या कमेंट करेंगे, अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, दो आपको कमेंट करना है, सभी लोग वीडियो में कमेंट करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी वर्तमान समय में कौन है। आपके दो काम है, जो वीडियो कंप्लीट देखें सिर्फ वही लोग ये सब काम कर सकते हैं, अन्यथा वो लोग नहीं करते हैं बाकी लोग। तो अभी क्या कमेंट करना है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल की संख्या कौन है, कितनी है, और निर्वाचन आयुक्त कौन है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। राज्य स्तर पर कुछ चीज़ें होती हैं, तो राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग को सहायता करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। और प्रत्येक जिले में जो जिले का कलेक्टर होता है वो क्या होता है, कलेक्टर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला के स्तर पे वो काम करता है, तो कलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिले के निर्वाचन अधिकारी के रूप में वो काम करता है। तो होप सो आप सारी चीज़ समझ गए होंगे, इसमें भाग 15 और अनुच्छेद 324 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें इधर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसके काम है, ये यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है कौन नियुक्ति करता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, किस प्रकार का यह निकाय है, ये आपको आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो मैंने दो चीज़ें कही हैं उसको भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।